हेलो एवरीवन। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हैं तो आपने कभी ना कभी तो ये वर्ड सुना होगा, शॉर्ट कवरिंग। अब ये वर्ड सुनने में ऐसे लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पहले तो इसका मीनिंग समझाऊंगा, शॉर्ट कवरिंग वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। फिर हम ऑप्शन चेन देखेंगे कि वहां पे शॉर्ट कवरिंग कैसे दिखती है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और फिर हम देखेंगे कि उसका हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में बेनिफिट ले सकते हैं, इंट्राडे में या फिर ओवरनाइट पोजीशन में हम कैसे उसको शॉर्ट कवरिंग को यूज कर सकते हैं। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इसमें। अगर मैं इन नाम को थोड़ा अलग अलग करने की कोशिश करूं, शॉर्ट का मतलब होता है सेल, शॉर्ट मीन्स सेल की पोजीशन। कवरिंग मतलब हम उस पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। जब भी कोई बंदा, जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में सेल की पोजीशन को एग्जिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। अब ऑप्शन चेन में वो शॉर्ट कवरिंग क्या है, चलिए पहले मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ऑप्शन चेन है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि ओपन इंटरेस्ट मींस नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। और हमने आपको बताया था कि ये जो ओपन पोजीशंस होती हैं, ओपन इंटरेस्ट होता है दिस, अगर बड़े प्लेयर्स की बात करें तो वो मैक्सिमम टाइम सेलर्स होते हैं मार्केट में। हम हर बार इस ओपन इंटरेस्ट को सेलर के परस्पेक्टिव से देखेंगे, तो हम यही करें कहेंगे कि यहाँ पे कॉल सेल हुई है। अगर मैं पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट देखूंगा तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि पुट सेल हुई है। So it means, जब भी ये ओपन इंटरेस्ट की बात होती है, दिस इज ऑफ सेलर्स नॉट ऑफ बायर्स। अगर मैं रिटेल ट्रेडर्स की बात करूं तो वो बायर्स होते हैं मेनली मार्केट में। अगर बड़े प्लेयर्स की बात करूं, चाहे एफआईआईज हैं चाहे डीआईज हैं, वो मेनली सेलर्स होते हैं। तो अगर मैं पुट की बात करूं वाई की, तो ये पुट सेल है। अगर मैं कॉल वाई की बात करूं तो ये कॉल सेल है। तो अगर ये पोजिशन सेल की है तो शॉर्ट कवरिंग क्या है, जब ये पोजिशन वो काटना शुरू कर देते हैं, मीन्स यहां से वाई निकलना शुरू हो जाता है, जो उन्होंने सेल की पोजीशन बनाई थी, जब वो सेल की पोजीशन को वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं, वो होता है शॉर्ट कवरिंग। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के मैं दिखाता हूं उसके। तो ऑप्शन चेन में शॉर्ट कवरिंग के दो मतलब हो सकते हैं, बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है। अगर मैं आपको ये ऑप्शन चेन दिखाऊं, ये पुरानी ऑप्शन चेन है थोड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन आ गया। इट मीन्स यहाँ से 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर दिए उन्होंने, यहाँ पे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए, यहाँ पे 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। इट मींस उन्होंने जो अपनी सेल की पोजीशन थी पुट साइड में, उनको क्लोज कर दिया। अब सोचिए, अगर वो पुट सेल की पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, पुट सेल तब होती है जब उनका व्यू बुलिश हो। अगर वो पुट सेल की पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, इट मींस मार्केट कैन गो डाउन। तो इस शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जा सकती है, इसीलिए वो अपना लॉस बचाने के चक्कर में या फिर अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, आइदर कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। अब होता ये तब है जब उनको पता हो कि हाँ मार्केट नीचे जाएगी और उनकी जो सेल की पोजीशन है वो लॉस में आ जाएंगी, उस टाइम पे शॉर्ट कवरिंग आती है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, तो ये भी एक शॉर्ट कवरिंग है। अब लेकिन अगर आप देखोगे, ये है कॉल साइड पे, यहाँ पे कॉल की पोजीशन थी, तो मैं यही मान के चलता हूँ कि ये सेल की पोजीशन थी। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 14 लाख का ओआई एग्जिट कर दिया, 14 लाख पोजीशन एग्जिट कर दी, यहाँ पे 16 लाख एग्जिट कर दी, 6 लाख, 31 लाख, 7 लाख, ये हैवी है, 38 लाख। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 लाख हुआ ही है और उसमें से 50,000 निकल गए, तो दैट इज अ माइनर अनवाइंडिंग, उसको आप इतना हैवीली कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए 12 लाख बची और 38 लाख, इट मींस टोटल 50 लाख था, उसमें से 38 लाख एग्जिट हो गए, तो ये हैवी अनवाइंडिंग है। तो ये भी एक अनवाइंडिंग है। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। तो उन्होंने जो अपनी सेल की पोजीशन थी कॉल साइड पे, उनको एग्जिट कर दिया। अब कॉल साइड साइड की सेल की पोजीशन कब एग्जिट करते हैं, जब उनको पता हो कि मार्केट ऊपर चली जाएगी और उनकी कॉल सेल की पोजीशन लॉस में आ जाएंगी। तो शॉर्ट कवरिंग के डिफरेंट मीनिंग है, डिपेंड करता है कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है। अगर पुट साइड पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो इट मींस मार्केट नीचे जाएगी, अगर कॉल साइड पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो मींस मार्केट ऊपर जाएगी। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको करंट ऑप्शन चेन भी दिखाता हूँ पहले। तो ये हमारे पास करंट ऑप्शन चेन है फ्राइडे की। तो आप, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत आएगी इस चीज को समझने में। तो ये क्लियरली आपको बोल रहा है कि यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई, शॉर्ट कवरिंग हुई। इट मींस उन्होंने जो सेल की पोजीशन थी उसको एग्जिट कर दिया। यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 8 लाख का ओआई होगा, जिसमें से 3 लाख निकल गया, ऑलमोस्ट 5 लाख बचा। यहाँ पे थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे 17 लाख बचा, टोटल 19 लाख होगा, 2 लाख निकल गया। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, जो लास्ट वाली ऑप्शन चेन, जो अभी करंट ऑप्शन चेन है, उसमें भी हुई है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा।
अब इस शॉर्ट कवरिंग को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, वन इज फॉर इंट्राडे एंड वन इज फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। अब इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, मान लीजिए आप डेली ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं और आपने देखा कि ऑप्शन चेन में ये सब हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग चल रही है। अगर पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग चल रही है तो आपको क्लियर हो गया कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लेवल्स ऑलरेडी मार्क हैं। जब भी मार्केट में एक ऊपर की मूव आए तो हर एक ऊपर की मूव, हर एक अप मूव आपके लिए सेल की अपॉर्चुनिटी है। जब भी मार्केट अपसाइड मूव दे किसी इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे 16,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आपने देखा मार्केट ऊपर गए 16,200 तक, तो आप यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मान लीजिए 16,100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब ये ब्रेक होगा तब भी आप सेल कर सकते हैं, जब 16,000 का लेवल ब्रेक होगा तब भी आप सेल कर सकते हैं। मीन्स जब भी आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिले आप वो ले सकते हैं, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग में ज्यादा मूव नहीं आएगी ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि जब वो पुट की अनवाइंडिंग कर रहे हैं इट मींस मार्केट नीचे जाने वाली है अग्रेसिवली। तो आप हर अपॉर्चुनिटी, हर एक अप मूव को सेल साइड में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हर एक नीचे का ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट का। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट फॉर इंट्राडे। अब अगर मैं पोजिशनल की बात करूं, अगर मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करूं या बीटीएसटी की बात करूं, तो मैं बीटीएसटी में इसको कैसे यूज कर सकता हूं। मैंने आज मान लीजिए एंड ऑफ द डे देखा अराउंड 3 o'clock के यहाँ पे पुट साइड पे अनवाइंडिंग हो रही है, ऑल्दो पीछे जो मई मंथ था वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव्स थी उसमें, तो उस सिनेरियो में माइट भी ये चीजें काम ना करें, लेकिन अगर नॉर्मल प्राइस बिहेवियर है तो आपने देखा कि अनवाइंडिंग हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि कल की जो मॉर्निंग मूव होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, तो आप यहाँ पे एक पुट बाय करके जा सकते हो ओवरनाइट। मान लीजिए आपने ये एटीएम वाली पुट बाय की, आप अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए, टारगेट डिसाइड कर लीजिए, मान लीजिए 16,000 है, तो जब भी मार्केट नेक्स्ट 16,000 तक आए तो आप उसको बुक कर सकते हैं। तो मींस आपने देख लिया कि पुट साइड पे अनवाइंडिंग चल रही है, मार्केट नीचे जाएगी, तो आप एक पुट होल्ड करके जा सकते हैं। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चेन देखी जिसमें कॉल साइड की अनवाइंडिंग चल रही है, तो इस केस में आप कॉल बाय करके जा सकते हैं और मार्केट आपको प्रॉफिट देके जाएगी। तो ओवरनाइट पोजीशन आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं, अनवाइंडिंग को देख के होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस रहिए, जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड मूव्स नहीं देगी, तब ये चीजें अच्छे से काम करेंगे आपके लिए। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है शॉर्ट कवरिंग के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए ऑप्शन पे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए और इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।